कॉन्फिडेंस रखने का मेरा बस यही था कि जो लोग गलत सोच रहे हैं, जो यूट्यूब पे हम लोग कुछ भी डालते हैं वो एक हेडलाइन डालते हैं कि ताकि लोग हमारा वीडियो देखें। कोई भी आजकल कोई भी चैनल बना के डालता है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बस एक ही मकसद था कि लोगों को सच पता चले जो मैंने झेला है। आप बस वो देख रहे हो कि जो किसी ने डाला है, लेकिन आपने ये नहीं देखा जो मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, मैंने कैसे सर्वाइव किया वहाँ पे, आपने वो नहीं देखा। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ भी देखो कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं बाहर आई हूँ, जज ने खुद मुझे ये क्लियर किया कि आई एम इनोसेंट, पुलिस वालों ने क्लियर किया, मुझे वहाँ से बाइज़त बरी किया गया। तो अगर वो वीडियो पे आप लोग भरोसा कर सकते हो तो बस उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोग ये भी समझो। आप जब हैदराबाद गए थे तो उसके दरमियान पुलिस ने आपको क्या किया, जज क्या बोला आपको? जज ने मतलब कैसे, पुलिस ने क्या आरोप आपके ऊपर लगाया, फिर जज ने जज क्यों छोड़ा आपको? पुलिस ने क्या आरोप लगाया वो आपको पता है ना कि ये होटल से सेक्स सिटी में हमने भोजपुरी एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके पास ये कहीं भी प्रूफ नहीं है, ना ही होटल के अंदर, ना ही रूम के अंदर, ना ही होटल की लॉबी, ना ही होटल से बाहर निकलते हुए कोई फोटो, कोई कुछ तो होना चाहिए ना। मैं पुलिस स्टेशन में खड़ी हूँ, बस वो वीडियो बनाना, किसी के नाम के ऊपर सेक्स रैकेट लगा देना हलवा नहीं है। मैं वहाँ की मीडिया से बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि आपके घर में भी माँ है, आपके घर में बहन है, आपके घर में भी लेडीज हैं, एक गलती उनकी लाइफ खराब कर सकती है। ठीक है, आप अपने घर पे जाके चैन से सो जाते हो, आप पत्रकार हो, आपने लिखा और चले गए, लेकिन आपके लिखने का जो आपका पेन होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है। आपको कितने दिन तक रिमांड में रखा गया था? वहाँ मैं 1 month थी और 1 month मेरा जो इंक्वायरी चला वो सब 2 months लगा मुझे पूरा क्लियरिफिकेशन कराने में। अच्छा, किसके कॉन्टेक्ट से आप हैदराबाद गए थे, क्या था, क्यों गए थे हैदराबाद? वो था तो मेरा दोस्त ही, लेकिन दोस्त कम दुश्मन ज्यादा निकला, मुझे नहीं मालूम था। बंदे का नाम मेंशन है, नाम बताना चाहेंगे? नाम लेना नहीं चाहूंगी, क्या वो वैसे ही जेल में है बेचारा? वो बेचारा तो नहीं है, ऐसे लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, उन लोग को तो और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वो फिल्म पूरी हो गई थी, हम लोग रांची में शूट करके आ गए थे, लेकिन कुछ आइटम सॉन्ग था तो जब मैं नहीं थी तो मेरी वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए, किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से संभावना मैम वो सॉन्ग कर रहे हैं। फिल्म अभी रिलीज पर कुछ दर्शकों कहेंगे? हाँ प्लीज, हमने बहुत मेहनत की है ये राजा मूवी के लिए, मेरा तो फर्स्ट टाइम है पवन सर के साथ। प्लीज जब भी रिलीज हो आप लोग उसे देखें और अच्छे से अच्छे लेवल पे उसको सक्सेस करें। मेरी बस ये है कि मेरे साथ जो हुआ प्लीज उसको आप माइंड करके वो फिल्म के ऊपर ना डालें, फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग प्लीज देखें, हमने बहुत मेहनत। किस तरह के किरदार फिल्म में? उसमें मेरा हीरोइन का है और उसमें मैं पवन जी की गर्लफ्रेंड हूँ और हमारी एक बेटी होती है, वो ऐसे है आप देखोगे तो पता चलेगा। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे डायरेक्शन किया हमने? अच्छा डायरेक्शन किया हमने, बहुत मेहनत की है और पवन सर तो वहाँ पे तो डायरेक्शन अच्छा ही होना है। हमारे प्रोड्यूसर सर ने भी बहुत मेहनत की, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया और डायरेक्टर सर भी बहुत, हमारी पूरी टीम बहुत बेस्ट थी। इस तरह के मामलों में राखी साहब बहुत इन्वॉल्व होती है, उनको कुछ कहना चाहेंगे, हेल्प उनसे कुछ लेना चाहेंगे? नहीं राखी मैम, मेरा कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू, बट बस विश है कि ऐसे कोई लड़की फंसे नहीं, बस और कुछ नहीं।